अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्निंग विद सीसी में आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप हमारे वीडियोस को भी लाइक और शेयर कर रहे होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था और उसकी एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। आइए उसका जो लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करते हैं। मैथ का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दो मैट्रिसेस हमें दी गई हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0। अभी तो जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है, जिसमें दिया है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, जिसमें हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, बाद में उसका ट्रांसपोज दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ए पे ट्रांसपोज पहले है, बी पे ट्रांसपोज पहले है, फिर उन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है ए प्लस बी उसका होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ए की मैट्रिक्स है 1 2 0 1 प्लस नेक्स्ट बी की मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 2 0। दोनों को ऐड किया जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री फर्स्ट एंट्री से ऐड होगी, सेकेंड सेकेंड से। 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 2 प्लस 1 किया जाएगा तो 3, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1। ये हमारे पास ए प्लस बी फाइनल है। तो हमें ए प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज लेना है, अभी हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 2 एंड 1। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 एंड 3, सेकेंड रो हमारे पास सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 एंड 1। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन फाइनल हो जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में पहले हमारे पास ए का ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज है, फिर उनके पास दोनों ऐड करना है। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए की मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 एंड 1। व्यूअर्स, जब ए का ट्रांसपोज लिया जाएगा उसी पर ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे, हमारे पास ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंड 2 यहाँ आएगा, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 0 एंड 1 यहाँ पे आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज फाइन किया हमने, इस तरह हम बी का ट्रांसपोज फाइन करेंगे तो बी की वैल्यूज है हमारे पास 1 1 2 एंड 0। जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 1, सेकेंड रो हमारे पास सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 एंड 0। व्यूअर्स, ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है, अब उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए की मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 एंड 1 प्लस बी की मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज फाइंड किया 1 2 1 एंड 0। दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड किया जाएगा तो 2, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 ऐड किया जाएगा तो 3, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी बस देखें तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का जो सोल्यूशन फाइंड हुआ है वो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दोनों साइड इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इसका होल ट्रांसपोज दिया जाए तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होते हैं, इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा सोल्यूशन है। हमें इस चीज को प्रूव करना था, क्वेश्चन हमें ही दिया गया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, दो मैट्रिसेस ए एंड बी दिए गए हैं उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। तो वी वजह इसमें देखें सेकंड पार्ट के अंदर तो वही सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हमें करना सब्ट्रैक्शन है। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास हुई ए एंड बी दिया गया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया जाएगा, ए माइनस बी सॉल्व करेंगे फिर ट्रांसपोज किया जाएगा। यहाँ करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड किया जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों साइडों का जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होते हैं। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरह है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
अभी बस सबसे पहले हमने इस चीज को की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद नेक्स्ट में हम सिमेट्री को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए और ए प्लस ट्रांसपोज है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए हमें दिया गया है 1, 2, 0 एंड 1, उसके ऊपर ट्रांसपोज दिया जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ए का ट्रांसपोज फाइंड हुआ, हमें ए के साथ प्लस करना है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए हमारे पास ये दिया गया है 1, 2, 0 एंड 1, प्लस ए का ट्रांसपोज है 1, 0, 2 एंड 1। दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड किया जाएगा तो 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 0 में 2 ऐड किया जाएगा तो 2, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1। अभी बस ये हमने फाइंड किया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट चीज हमने प्रूव कर ली। सेकेंड हमारे पास सिमेट्रिक है। अभी बस हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, वो वही मैट्रिक्स ए हमारे पास वापस आ जाए, तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी डेफिनेशंस के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं, हमारे उसको वॉच कर सकते हैं, तो हम आपको सिमेट्रिक के बारे में तमाम गाइडलाइन दी गई है, आप उन वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए का ट्रांसपोज अगर हम इक्वल टू ए आ जाता है, हम कहेंगे ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज दिया गया है, तो यहाँ हमने ये चीज प्रूव करनी है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर हम होल ट्रांसपोज लेंगे, वो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगी, फिर हम कहेंगे हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको प्रूव करके देखते हैं, हमारे पास ये चीज हमने फाइंड की है, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो हम इस ए प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर होल ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास आंसर ये था 2, 2, 2, और यहाँ हमारे पास ये बल्कि 1 में 1 ऐड किया जाता है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ हमारे पास ये 2 फाइनल। हम इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी बस देखें तो ये चीज और सेम टू सेम ये चीज दोनों सेम है, अगर ये सेम है तो हम इनसे हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यहाँ से हम सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना था। इससे नेक्स्ट पार्ट है 4 पार्ट, इसके अंदर हमने ए माइनस ए का ट्रांसपोज है उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी हम पीछे वीडियोस के अंदर कर चुके हैं, आप उस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसके अंदर दिया गया है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमने स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करना है। हमारे पास सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, तो हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स है 1, 2, 0 एंड 1, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ए का ट्रांसपोज फाइंड हुआ है, ए के साथ इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए हमें ये दिया गया 1, 2, 0 एंड 1, माइनस ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया 1, 0, 2 एंड 1, दो को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में से माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमने ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड किया। अभी वैसे हम स्क्यू सिमेट्रिक जब प्रूव करते हैं उसकी डेफिनेशन के अंदर आता है, अगर हम कोई मैट्रिक्स हमें दी जाती है ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स फाइंड हो अगर हम उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें, जो बनने वाली मैट्रिक्स ए होती है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, हम इसका सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0, 2, -2 एंड 0, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ये तो हमारे पास हो गया, अब हमें माइनस का साइन भी कॉमन लेना, ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है इसमें से हमने एक माइनस कॉमन लेना है, जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, 0
टू माइनस टू एंड जीरो। अभी बस देखा जाए तो ये चीज और ये माइनस का साइन बाहर है, ये वाली चीज हमारी इस चीज के बराबर है, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। यदि इसके बराबर है तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस चीज के बराबर है जिसे प्रूफ होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सेमेट्रिक। ये था हमारे पास पार्ट नंबर फोर जिसमें हमें सिक्यू सेमेट्रिक को प्रूव करना था। व्यूअर्स अगर इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर हमें बी प्लस बी का ट्रांसपोज दिया गया जो कि हमें सेमेट्रिक प्रूव करना है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर थ्री जिसे हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया था जो कि सेमेट्रिक से प्रूव करना था। तो सेमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपको पता है, किसी मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स हमारे वापस आ जाए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक सेमेट्रिक है। तो इस क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर भी हमने यही चीज प्रूव करनी है, बी प्लस बी का ट्रांसपोज सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उसको क्वेश्चन नंबर थ्री से रिलेटेड है उसके आधार से सॉल्व करेंगे। जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव को स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो कि अभी हमने सिक्यू सेमेट्रिक का क्वेश्चन किया है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसके अंदर बी माइनस बी का ट्रांसपोज है, उसको हमें सिक्यू सेमेट्रिक प्रूव करना है। उसको सिक्यू सेमेट्रिक प्रूव करना है, सिक्यू सेमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपको बता दी गई है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स का उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो मैट्रिक्स बनने वाली मैट्रिक्स सिक्यू सेमेट्रिक होगी। इसमें हमने बी माइनस बी का ट्रांसपोज सिक्यू सेमेट्रिक प्रूव करना है। तो उन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे, उनका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया जाएगा तो बनने वाली मैट्रिक्स हमारे पास सिक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स को भी स्किप करते हैं, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए इसको आपको सॉल्व करना है। व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपने इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको फुली गाइड किया जाएगा। अब व्यूअर्स आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का लिंक आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।